ये कंपाउंड पॉलिश है और बीस को अप्लाई करेंगे ऐसे। ये सेकंड कोट लगा रहा हूँ मैं, पहले मैंने इसको कंपाउंड कर दिया। भाई हाथ की रिफ्लेक्शन इसमें आपको नजर आ रही होगी, मैं इसके बाद आपको करीब से भी दिखाऊंगा, जस्ट एक डेमो आपको दूंगा कि कंपाउंड करना कैसे है। ये पॉलिश अप्लाई की है, इसकी स्पीड यहाँ से फुल आहिस्ता कर देनी है, ये फुल आहिस्ता स्पीड है, और इसको अगर मैं फुल स्पीड में चलाऊँगा यहाँ से, ये इसकी फुल स्पीड है। स्टार्ट हमेशा आहिस्ता से करना है और ये इसका लॉक है, आपने इसको स्टार्ट करके लॉक कर देना, उसके बाद स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है। ये स्टार्ट किया और ये लॉक कर दिया मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ानी है। जहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वहाँ पे स्पीड की आपने एक्स्ट्रा कर लेनी है, गुफा अपना आपने इसके ऊपर रखना है कंट्रोल में। जैसे ही इस तरह बाउंस करने लग जाएगा इसका मतलब आपके नीचे जो कंपाउंड पॉलिश आपने अप्लाई किया वो खत्म हो चुकी है, आप दोबारा से अप्लाई करनी है। लेकिन मैं इसके ऊपर आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, ये इसका बफ का हाल हो गया इस टाइम, ये इसकी गद्दी है, ये इसकी जो बफ होती है वो है। अब मैं आपको इसी कंपाउंड दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, और जहाँ पर नहीं अप्लाई हुई वहाँ पर भी एरिया दिखाऊँगा, और जहाँ पर अप्लाई हो गई है वहाँ पर भी दिखाऊँगा। अभी ये ऑलमोस्ट पूरे बोनट के ऊपर अप्लाई हो चुकी हुई है। अब इस बोनट के अंदर वो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी लाइट की, इससे आपको इसकी शाइन का अंदाज़ा हो सकता है। या अगर मैं थोड़ी सी इधर से आपको, क्योंकि इसमें कैमरे के अंदर रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं आती, अब आपको वो ग्राइंडर का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा बोनट के अंदर नज़र, इसका मतलब है ये फुली रिफ्लेक्टेड है, मतलब फुली शाइन है इस टाइम इसके अंदर, ये देखें। और इसकी शाइन कैसे ली है मैंने, इसके अंदर मैंने 2000 नंबर का पेपर मारा है, पहले 1000 नंबर का पेपर मारा है, उसके बाद 2000 नंबर का पेपर मारा है। उसका भी प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ, प्राइस भी बताता हूँ कितना खर्चा आ रहा है इसके ऊपर। अभी आपको यहाँ पे ऐसे लाइनें नज़र आएंगी, उससे आपको रिफ्लेक्शन का इसमें आइडिया होगा। ये देखें ये लाइनें आपको नज़र आई हैं, ये इसकी रिफ्लेक्शन है इस टाइम बोनट की, और ये बहुत अच्छी लुक में आ रहा है। ये निपोन का लैकर लगा हुआ है, निपोन के लैकर का ये रिज़ल्ट है। अब आपको सैंड पेपर का भी दिखाता हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है 2000 नंबर का सैंड पेपर, ये 50 रुपये का पूरा पीस आता है, ये उसका चौथा हिस्सा है, पूरे पीस को चार हिस्सों में काट लिया हुआ है। ये सबसे एंड पे अप्लाई होता है गीला करके, जिस तरह टप के अंदर मैंने पानी रखा हुआ था, आपको पिछली वीडियोस में मैंने दिखाया होगा। पहले 1000 नंबर का पेपर होता है जब हम इसको पेंट करते हैं, जिस तरह ये सरफेस सारी पेंट हुई हुई है, ये भी इसको कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट पेंटेड और ऊपर लैकर लगा हुआ है, कोई सैंड नहीं किया हुआ इसको। सबसे पहले मैं इस पूरे बम्पर को 1000 नंबर के पेपर से सैंड करूंगा, पूरा बम्पर सैंड हो जाएगा, उसके बाद इसको अच्छी तरह साफ़ करके मट्टी मुट्टी इसकी निकाल के, फिर ये 2000 नंबर का जो पेपर है इसके साथ इसको सैंड करूँगा। जब 2000 नंबर का पेपर भी सैंड इसको कर देगा तो फिर ये बिल्कुल डल हो जाएगा, उसके बाद इसकी कंपाउंड पॉलिश होगी जो ये इस टाइम ग्राइंडर से हो रही है। अभी ये 2000 नंबर का पेपर लग चुका है इस फेंडर के ऊपर, अभी देखें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल स्मूथ है इसके अंदर, मैं ऐसे हाथ फेरता हूँ बिल्कुल स्मूथ है, कोई किसी किस्म की रगड़ नहीं है, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल लेवल पे है। इसी तरह ये जो पॉलिश हो चुका हुआ इसमें भी मेरे हाथ की रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, और इसमें आपको नहीं नज़र आ रही है, ये पॉलिश हो चुका हुआ है, इसके अंदर भी ऐसे हाथ फेरते हैं बिल्कुल स्मूथ हो चुका हुआ है। अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले ये कंपाउंड पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है जी, ये 200 रुपये की डब्बी है, डब्बी में कितनी होती है, आधी से तकरीबन आप समझ लें आधी डब्बी 200 रुपये की है। पहले ये 300 रुपये की फुल डब्बी होती थी, अब ये तकरीबन 400 रुपये की पूरी डब्बी है। अब ये कंपाउंड कौन सी है, मेरे पास एक और भी कंपाउंड पड़ी हुई थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी,
तो ये कंपाउंड है कॉर्टेक के नाम से आती है, ये बहुत अच्छी कंपाउंड है। अभी मैं आपको हल्की कंपाउंड भी दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी भी प्राइस आपको बताता हूँ वो कितने की है। वो मैंने रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, ये टोटल कंपाउंड है, ठीक है जी। ये आपको मिलेगी किसी गाड़ी की स्पेयर पार्ट वाली दुकान से, जहाँ पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट वगैरह मिल जाते हैं। ये मैंने ली थी अवान ऑटो से, 80 रुपये की डब्बी है ये, पूरी डब्बी 80 रुपये की है, ठीक है। और ये आधी डब्बी 200 रुपये की है, मतलब ये पूरी डब्बी 400 रुपये की है, ये पूरी डब्बी 80 रुपये की है, इतना डिफरेंस इसकी प्राइस में। अब आपको दिखाता हूँ वजह क्या है इसकी प्राइस की इतना डिफरेंस होने की। इसको भी खोलता हूँ, उसको भी खोल के आपको दिखाता हूँ मैं इसको ज़रा। ये देखें, ये मैंने इसको खोला है, ठीक है, खोल के इसको यहाँ पे मैं रखता हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर ज़रा पानी पानी अभी ऊपर आया, मैं इसको मिक्स करूँगा तो इसमें नीचे से इस तरह की ये इसकी थिकनेस है, मतलब ये क्रीमी टेक्सचर नहीं है, ये थोड़ी सी होती है रगड़ वाली, मतलब इसमें ये मोटा दाना होता है, मतलब मोटी मोटी सी होती है, फुल स्मूथ नहीं होती है। और ये जो कंपाउंड पॉलिश है ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें आप ऐसे हाथ फेरें तो बिल्कुल स्मूथ है। यही इसमें फ़र्क होता है, जब मैं इससे कंपाउंड करूंगा तो इतनी शाइन नहीं आएगी, गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब इससे कंपाउंड कर रहा हूं मैं, इसमें शाइन एक्स्ट्रा, जिसको आप कहने के एक्स्ट्रा शाइन है, और फाइन कंपाउंड करती है ये। एक इससे भी ऊपर लेवल की पॉलिश होती है, वो होती है डिटेन के नाम से, डिटेन कंपाउंड पॉलिश। उसमें 3 डब्बियाँ होती हैं, 1, 2 और 3, जो सबसे पहले नंबर पे आपने सेंडिंग के बाद अप्लाई करनी है वो 1 नंबर अप्लाई करनी है, वो मोटा दाना होता है। जो दूसरे नंबर की होती है वो ब्रीक दाना होता है। जो तीसरे नंबर की आपने अप्लाई करनी है वो बहुत ब्रीक दाना होता है। और वो तकरीबन जो कंपाउंड है डिटेन के नाम से, वो ये 3 डब्बियाँ इतने साइज़ की बनेंगी, तकरीबन आई थिंक 900 या 1000 रुपये की, इतनी सी 1, 2, 3 डब्बियाँ बनेंगी उसकी। सबसे पहले 1 नंबर आपने अप्लाई करनी, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। वो होती है जब आपने एक्स्ट्रा शाइन लेनी हो, एक्स्ट्रा शाइन के लिए बहुत वो स्मूथ करती है पेंट को, बहुत फाइन कर देती है। लेकिन अभी ये वाली जो पॉलिश है ये बहुत अच्छी है, और इसका नाम है कॉर्टेक। जो पेंटर यूज़ करते हैं, भी मैं आपको ये भी बताऊंगा ये मिलती कहाँ से है। सबसे पहले ये बताऊं, जो पेंटर इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स की कंपाउंड पॉलिश दे दो। अब मैंने भी पेंटरों से ही सुना हुआ था कॉर्टेक्स की। जब मैं लेने गया तो मैंने इसका डब्बा, जब बड़ी पैकिंग में आता है इतना बड़ा इसका जार होता है, जब मैंने वो जार पकड़ के देखा तो उसके ऊपर लिखा था कॉर्टेक, CAR TEC टेक, कॉर्टेक। तो ये कॉर्टेक होती है कंपाउंड, ये कॉर्टेक्स नहीं होती, लेकिन पेंटर इसको कॉर्टेक्स के नाम से कहते हैं। अच्छा, अब ये मिलनी कहाँ से है? ये गाड़ियों का जहाँ से पेंट का सामान मिलता है, जहाँ से गाड़ियों का, जिस तरह इस हाक पेंट वाला है, मैं जिससे पेंट का सामान लेके आता हूँ, ये उससे मिलेगी आपको, या कोई और पेंट वाली अच्छी दुकान होगी वहाँ से मिलेगी। एक होती है P5 कंपाउंड, एक होती है ये कॉर्टेक की कंपाउंड, एक होती है डिटेन कंपाउंड जिसमें 1, 2, 3 के नाम से आती हैं, एक होती है गिलासों की कंपाउंड, वो भी एक ट्यूब के अंदर आती है। काफ़ी तरह की उनके पास वैरायटी होती है कंपाउंड में, लेकिन ये प्रोफेशनली यही यूज़ होती है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपाउंड है। अच्छा, ये आ गई जी 200 रुपये की आधी डब्बी। ये ऑलमोस्ट छत छोड़ के, छत के अलावा, छत मैंने गाड़ी की नहीं कंपाउंड करनी, बाकी पूरे राउंड में पूरी गाड़ी को कंपाउंड करना, ये एक डब्बी ऑलमोस्ट काफ़ी हो जाती है, मतलब आधी डब्बी, सॉरी एक डब्बी कह रहा हूँ, आधी डब्बी 200 रुपये की, ये इनफ हो जाती है। उसके बाद आपने इसकी सेंडिंग भी मैंने मतलब 1000 और 2000 नंबर के पेपर से कर लिए। अब आप एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि जो एक सवाल रहता है कि जब गाड़ी पेंट होती है उसके ऊपर जब कौवा पोटी कर देता है, चिड़िया पोटी कर देती है, वहाँ से पेंट ख़राब हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था कि उसकी रीज़न क्या होती है, हल्का थिनर जब आप लगाते हैं। अगर आपने उस चीज़ से बचना, तो मैंने आपको बताया था आप एक्रेलिक थिनर यूज़ करें। अभी ये देखें, ये बम्पर मैंने पेंट करके रखा हुआ है, 2-3 दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था मिला मुझे, और मैं इसलिए 2-3 दिन बाद वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। ये गाड़ी मेरी ऐसे ही खड़ी है 2-3 दिन से, मतलब इसको सिर्फ मैंने बहुत मुश्किल से 8 टाइम निकाल के इसको कंपाउंड कर रहा हूँ। तो ये बम्पर के ऊपर 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ा है, तो ये ऊपर तार गुजर रही है, इसके ऊपर परिंदे बैठते हैं और इसके ऊपर स्टूल कर देते हैं। तो ये स्टूल गिरा हुआ है किसी चिड़िया का, ये भी और ये भी, उसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ से पेंट नहीं ख़राब हुआ। क्यों? अगर ये हल्का थिनर होता तो ये पेंट ख़राब हो जाना था, यहाँ से खिंच जाना था पेंट, इसके ऊपर जैसी पोटी गिरती है कौवे की या चिड़िया की, तो ये खिंच जाता है यहाँ से। तो ये जो पेंट है ये मैंने लेकर यूज़ किया हुआ है एक्रेलिक थिनर के अंदर, तो इस थिनर की वजह से यहाँ से नहीं ख़राब हुआ। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा साफ़ करके दिखाता हूँ, ये मैं गीला कपड़ा यहाँ से पकड़ लूँगा और इसको थोड़ा सा आपको साफ़ करके दिखाता हूँ नीचे की। ये देखें, नीचे बिल्कुल क्लियर है, कहीं से पेंट नहीं खिंचा हुआ, कहीं से पेंट ख़राब नहीं हुआ। और यही चीज़, ये नुस्ख़ा ये अलहदा है, ये कोई चीज़ गिर गई थी बम्पर के ऊपर जिसकी वजह से यहाँ से पेंट ख़राब हुआ, लेकिन जो जहाँ पे पोटी गिरी थी वहाँ से पेंट ख़राब नहीं हुआ। तो जो सवाल किया था हबीब भाई ने शाहिद से, हबीब का अगर आप व्लॉग देखते हैं तो उसमें शाहिद से उसने यही बात की थी कि कौवा जब पोटी करता है गाड़ी के ऊपर वहाँ से पेंट ख़राब हो जाता है। शाहिद ने उसका जवाब ये दिया था कि उसका कोई हल नहीं है, लेकिन मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था उसका हल है एक्रेलिक थिनर। अगर आप NC थिनर यूज़ करते हैं, जिसको हम डीको थिनर कहते हैं, तो उससे ये मसला आता है, लेकिन अगर आप निपोन कंपनी का डीको थिनर यूज़ करेंगे उससे किसी हद तक मसला क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप निपोन कंपनी का
एक्रेलिक थिनर यूज़ करेंगे उससे ये मसला नहीं आएगा। तो ये मैंने एक्रेलिक थिनर में पेंट किया हुआ है और ये एक्रेलिक थिनर 550 रुपये का लीटर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में उसके डब्बे भी दिखाए थे, वो भी यहाँ पे मेरे पास पड़े नहीं हुए हैं, हर चीज़ आपको दिखाई थी डिटेल में, तो वो भी आप मेरी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड हुई हुई हैं। और अगर आप इससे भी ऊपर लेवल का थिनर यूज़ करना चाहें अपनी गाड़ी को पेंट करवाने के लिए तो और अच्छा रिजल्ट आता है। वो इवन सिकन कंपनी का थिनर होता है, वो तकरीबन 700, 800, 900 का लीटर थिनर जाता है, उससे भी अच्छा। ड्यूपोंट का थिनर उससे भी अच्छा। इस तरह मतलब अच्छे से अच्छे थिनर, बहुत बहुत महंगे थिनर होते हैं। ये तो एक नॉर्मल अच्छे मतलब पेंट के लिए मैंने इसको एक्रेलिक थिनर में यूज़ किया। अगर सस्ता यूज़ करता तो मैं 250 का लीटर भी है थिनर, 180 का भी लीटर थिनर है, उसमें भी पेंट हो जानी थी गाड़ी। तो ये रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए महंगे से महंगा थिनर यूज़ करते हैं। अगर मर्सिडीज़ ऑडी पे या किसी स्पोर्ट्स कार मॉडिफाइड कार पे आप पेंट कर रहे हैं तो आप महंगे से महंगा थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका रिजल्ट और अच्छा आता है। लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं बोनट में, अभी एक दफ़ा वॉश होगी गाड़ी तो इसके अंदर मजीद रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। तो अभी इसके बाकी पार्ट्स वगैरह कंपाउंड होंगे तो आज इंशाल्लाह ये सारी गाड़ी कंपाउंड हो जाएगी। फिर इसकी मास्किंग वगैरह खोल देंगे, अखबारें वगैरह उतार देंगे सारी, फिर इसकी फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँगी, शीशा इसका पेंट हुआ हुआ है, इसको भी 2-3 दिन हो गए लेकर लगा के छोड़ा हुआ है, लेकिन इसकी अभी कटाई नहीं की है। इसमें यह शाइन ऐसे आ रही है, जब इसकी पहले 1000 नंबर के पेपर से कटाई होगी, फिर उसके बाद 2000 नंबर के पेपर से कटाई होगी, तो ये जितना डस्ट आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये अनइवन सा पेंट आपको ऊपर नीचे नज़र आ रही है सरफेस, ये सारी सरफेस भी स्मूथ हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और इसकी शाइन भी डल हो जाएगी। फिर इसको कंपाउंड करेंगे तो इसकी शाइन वापस आएगी, जिस तरह के ये सारी गाड़ी की शाइन इस टाइम डल हो गई हुई है और इसका पेंट बिल्कुल स्मूथ हो गया होगा, बिल्कुल हर तरफ से इवन बिल्कुल एक जैसा पेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। अभी कंपाउंड कंप्लीट करूंगा, फिर इसकी फिटिंग शिटिंग करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा सारी गाड़ी। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।